हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपका पेशेंस अब खत्म हो चुका है, आई नो, एंड आपके इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने जैसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आपको बताए हैं, वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएं कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो चैप्टर वाइज। तो आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। आज के वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करोगे तो इसमें मेरा नहीं आपका फायदा है। आपका क्या फायदा है? आपको ऐप पे बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ मिलेगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको बायोलॉजी एग्जाम का 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर फ्री डाउनलोड्स वाला मटेरियल दिखाई देता है। मतलब जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो लेफ्ट कॉर्नर में तीन लाइन होती है, उस पर क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल सेकेंड सेक्शन आता है, सेकेंड ऑप्शन। उस पर जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे एक अलग से फोल्डर दिखाई देता है, बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम पीवाईक्यू पेपर 2022 एंड 2023, उसमें आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि आपको फर्स्ट चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस ऑप्शंस में छोड़ने चाहिए, उसकी बात करते हैं। इसको बताने के लिए मैंने कंपैरिजन किया है, ये 2022 का बोर्ड का पेपर है। देखो टेक्निकली अपने फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कितना बोला गया है, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स बोला गया है। तो 2022 में कौन से क्वेश्चन आए थे फर्स्ट चैप्टर में से? फर्स्ट चैप्टर में से सबसे पहला तो ये एमसीक्यू आया था, ठीक है, 1 मार्क के लिए, और ये 1 सेंटेंस क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए। ये 2022 का क्वेश्चन है, तो ये दो तो कंपलसरी कर लेना। उसके बाद मैच द कॉलम आया था 2 मार्क्स के लिए, सो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स हो गए, और ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए, 3 या 4 मार्क्स, 29th है ना, ये 4 मार्क के लिए था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था। तो देखो 1 + 1 = 2 + 2 = 4, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए था बच्चों। So, कितने हो गए? 8 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से आया था 2022 में। और ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला क्वेश्चन है, ये हर साल एक साल छोड़ के एक साल रिपीट होता है, ये 2022 में आया था, ठीक है। फिर 2023 में ये नहीं आया, इसका मतलब इस साल आ सकता है 2024 में। तो ये 4 क्वेश्चन 2022 में आए थे। 2023 में देखो कौन सा क्वेश्चन आया था, फिर से हम वेटेज करते हैं कैलकुलेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम वेटेज के हिसाब से ही आता है क्या क्वेश्चन, तो आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, ये देखो ये 1 मार्क के लिए आया, या तो मेल गैमेटोफाइट का मियोसिस माइटोसिस पूछते हैं या तो फीमेल गैमेटोफाइट का, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो ऑप्शन में छोड़ के जाना ही मत, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी पूछना होता है कि मैम एक्सरसाइज के पीछे से क्वेश्चन आते हैं कि टेक्स्ट बुक के बीच में से? अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, और ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का है, तो बीच में से क्या आ रहा है? सब कुछ टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आ रहा है। 2023 का पेपर देखो, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला पोरोगैमी मीजोगैमी चलाजोगैमी, ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में है, राइट? अब इसमें एक क्वेश्चन था, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलो समझ लो ये डायग्राम इन टेक्स्ट है, बट ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 + 1 = 4 मार्क्स हो गए। 2023 में से और एक क्वेश्चन आया, एंड दिस वॉज फॉर 4 मार्क्स। तो ये देखो, ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स हो गए 8 मार्क्स, और इसमें आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दिस इज इन टेक्स्ट। क्या पूछा गया है इसमें आपको? एनोमिफिलस फ्लावर्स का अडेप्टेशन पूछा गया है और हाइड्रोफिलस फ्लावर का अडेप्टेशन पूछा गया है, जो कि मैंने पढ़ाते टाइम भी बहुत ज्यादा फोकस करके बोला था कि हर एक टाइप के पॉलिनेशन का अडेप्टेशन पढ़ो, अडेप्टेशन कंपल्सरी आता है। सो ये देखो हो गए 8 मार्क्स। तो मैं आपको बार बार यही चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वेटेज आपको दिया गया है ना, कुछ सोच समझ के दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बायोलॉजी के चैप्टर्स की जो वेटेज वाली वीडियो अपलोड की है, वो जाके देखो हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है, उसके हिसाब से पढ़ो, क्योंकि आपको पिछले साल भी वही वेटेज फॉलो किया था, इस साल भी वही वेटेज फॉलो किया है,
मतलब 2022 में भी वही वेटेज फॉलो किया था, 2023 में भी वही वेटेज फॉलो किया है, और 2024 में भी वही वेटेज फॉलो करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैम इस साल हम क्या क्वेश्चंस पढ़ के जाएं। देखो सबसे पहली बात, चैप्टर का वेटेज 6 to 8 मार्क्स है। अब इसमें से कौन सी चीजें बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़नी है, तो पहली चीज आपको चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होता है ना, उस एक्सरसाइज में का ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंपलसरी 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 करते हैं, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बचता है, जो बड़े आंसर आ जाते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो उनमें से आपके टेक्स्ट बुक में कुछ 7-8 क्वेश्चंस दिए गए, उनमें से मैंने ये 5 क्वेश्चंस फिल्टर किए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है। पॉलीएम्ब्रियोनी का आ सकता है जस्टिफिकेशन। ये देखो ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 3 डिवाइसेस वाला, कोई भी 3 डिवाइसेस बोलते हैं, हर्पोगेमी कर दो, प्रीपोटेंसी कर दो, एक्सप्लेन, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी बहुत सारे बच्चों का ना कंफ्यूजन होता है, मैम डबल फर्टिलाइजेशन बोला है मतलब ये प्लांट्स वाला है कि एनिमल्स वाला, ऐसा जब कोई पूछता है ना मुझसे सुपरविजन के टाइम पे तो एक साट करके मारने का मन करता है। ह्यूमंस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या? इट्स कॉमन सेंस। डबल फर्टिलाइजेशन बोला है मतलब प्लांट वाला ही होगा, ह्यूमंस वाला कैसे होएगा? तो ऐसे टाइम पे ना अपना कॉमन सेंस बेचने मत चले जाओ, बेच के आते हो एग्जाम देने के लिए, ऐसा मत करो। तुम भी पैनिक होते हो, टीचर्स को भी कंफ्यूजन में डालते हो। सो डू नॉट गेट पैनिक, पे अटेंशन, ठीक है? पढ़ोगे तो सब आता है यार, ऐसे क्यों तुम लोग नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हो, ह्यूमन वाला है कि प्लांट वाला है। तो एक ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैच्यूरेशन वाला स्टेजेस, देखो 2 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं है तो इस साल आने के चांसेस है मेल या फीमेल गेमेटोफाइट का मैच्यूरेशन, और एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम, या तो डायग्राम आएगा या तो उसका लेबल आएगा या तो उसका फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछेंगे कि ओव्यूल के अंदर जो अलग अलग सेल्स है कौन से सेल्स का क्या फंक्शन है। तो ये 5 क्वेश्चंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके ही जाने चाहिए। एटलीस्ट इसको रीड करो और इसके अंदर के डायग्राम्स पढ़ो। बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर करने के लिए डायग्राम्स आर मैंडेटरी। जहां पे डायग्राम नहीं भी पूछा है वहां पे ड्रॉ करो तो आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलता है, ठीक है? इसके अलावा ऐसे टाइप का जो भी डायग्राम रहता है, फ्रूट का लेयर्स हो गया या सीड वाला डायग्राम हो गया या डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम हो गया, ऐसे डायग्राम्स आपको लेबल करने के लिए पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डायग्राम वाला सीरीज मैंने लिया था जिसमें मैंने बताया था कौन से चैप्टर में से कौन सा डायग्राम करो, प्लीज उसके हिसाब से टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क करो और डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करो। और ऐसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आते, देखो 2022 में आया था ये क्वेश्चन, ये देखो मैच द कॉलम 2022 में सिर्फ 1-2 ऑप्शंस आगे पीछे कर दिए थे, बाकी इसी का ही था वो क्वेश्चन। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि प्लीज इन चीजों को अवॉइड मत करो, आपको काफी सारी चीजें बताई गई हैं ऑलरेडी आपके पास हैं, आपको बस फॉलो करना और बुक खोल के पढ़ना है। और 1-शॉट लेक्चर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं सो आपका वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पर अब प्लीज 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 मैं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बुक खोलो और पढ़ो, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, बस बुक खोलो और पढ़ो। और आपके लिए जो टारगेट का ये होता है नोट्स होता है उसका भी हमने सॉफ्ट कॉपी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे के रखा है, पिन करके रखा है, ताकि आपको रेडीमेड आंसर्स का पैटर्न पता चल सके। अभी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैम 4 मार्क्स के लिए कितना पॉइंट लिखना चाहिए, 8 पॉइंट्स में मिलेगा क्या? नहीं, जितना आंसर रिक्वायर्ड है उतना लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पॉइंट्स मैटर नहीं करते, कंटेंट मैटर करता है, आपने कितना कंटेंट लिखा है। डबल फर्टिलाइजेशन पूछा है तो पूरा डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 8 पॉइंट्स हो गए और आधे में छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी आप बड़े हो गए हो, 4th-5th स्टैंडर्ड में नहीं हो कि 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिख दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये था चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर बीच बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन लाइव बफरिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होगा उनको इससे। और अब ये ऐसे लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक करते हैं तो काफी ज्यादा ये चीजें हेल्प करती है। सो मेक श्योर कि आप ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हम जो पोल्स अपलोड कर रहे हैं अपनी NCERT वाली चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, ये पोल्स जरूर जाके चेक करो क्योंकि इससे आपका साइड बाय साइड MHT CET का भी प्रिपरेशन होते रहेगा।
बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर, सी यू सून, और एक चीज याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, बाय बाय।